दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या सूर्य को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अफगानिस्तान के सामने भीगी बिल्ली बनकर जब भारत के टॉप खिलाड़ी आउट हो गए तो कैसे सूर्य और पांड्या ने भारत की इज्जत को बचाया, हारे हुए मैच को जीत में तब्दील किया। इन दोनों की खतरनाक पारी का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, सूर्य पांड्या और बाबर में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का सुपर 8 का पहला रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला भारत और अफगानिस्तान की टीम के बीच में आज बारबाडोस के कैनिंगटन ओवल के मैदान में खेला गया। ब्रिजटाउन के मैदान में जब भारत और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने उतरी तो लग ही नहीं रहा था कि एक वक्त पर अफगानिस्तान की टीम ऐसे हालात बना देगी कि रोहित शर्मा एंड कंपनी के माथे पर से पसीना नहीं रुकेगा। दोस्तों कहने को तो इस मैदान में रोहित शर्मा की किस्मत उनका साथ दे रही थी क्योंकि टॉस वो जीते थे, लेकिन पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कितना सही और कितना गलत था उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि जो रोहित शर्मा थे वो 13 गेंदे खेलकर मात्र 8 रन बनाकर फजल फारूकी की गेंद पर राशिद खान को कैच थमा देते हैं। एक फुल लेंथ गेंद को समझ ना पाने पर रोहित शर्मा का ये शॉट कहीं ना कहीं नादानी भरा तो लगा। दोस्तों रोहित का विकेट 8 रन पर गिरा तब लगा कि मैदान में ऋषभ पंत तो आ ही चुके हैं और कोहली भी आज चलेंगे और जबरदस्त तरीके से चलेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैदान में वही सबसे ज्यादा होता है जिसकी अपेक्षा सबसे कम और सबसे ज्यादा अनिश्चित तौर पर की जाती है। विराट कोहली और पंत के बीच में इसके बाद दोस्तों एक छोटी साझेदारी हुई, लेकिन दोनों खिलाड़ियों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का कोहली ने लगाकर 24 गेंद में 24 रन बनाए थे 100 के स्ट्राइक रेट से, तो वहीं पंत ने दोस्तों 4 चौके लगाकर 11 गेंद में 20 रन बनाए। इससे एक आस जगी, एक ऐसी आस के भारत के अब विकेट नहीं गिरेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मामला पावर प्ले के बाद कुछ होता शुरू, 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर राशिद खान दोस्तों पंत को LBW आउट कर डालते हैं। आपको बता दें कि दोस्तों पिछले 3 अपने T20 मैचेस में राशिद ने भारत के खिलाफ कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन अब लिया तो दोस्तों ऋषभ पंत का ले डाला। 220 रन पर पंत का विकेट गिरता देख मानो विराट कोहली को न जाने क्या हुआ कि वो राशिद खान को समझ ही नहीं पाए, और ये हुआ 9वें ओवर में। दोस्तों 9वें ओवर में तो कुछ ऐसा हो गया जिसकी कल्पना भी कर गुस्सा आ जाएगा आपको। दोस्तों राशिद खान इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक स्लोअर गेंद डालते हैं, विराट कोहली एलिवेट करते हैं शॉट को बाउंड्री की तरफ मारने के लिए, लेकिन इससे पहले कि शॉट बाउंड्री के बाहर जाता एक रनिंग कैच पकड़ते हुए दोस्तों मोहम्मद नबी उनको आउट कर डालते हैं। 24 रन पर कोहली का विकेट गिर जाता है। जरा सोचिए पूरे टूर्नामेंट में अब तक कोहली के बल्ले से रन नहीं निकले और आज भी जब जरूरत थी तब भी वो फेल हो गए। इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे ने एक छक्का लगाकर थोड़ी बहुत दिवाली जरूर दिखाई, लेकिन 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर राशिद खान एक और विकेट ले डालते हैं, इस खिलाड़ी को LBW आउट कर। दोस्तों वाकई में राशिद खान आज भी एक मिस्ट्री गेंदबाज हैं और राशिद खान इस मैच में भारत के लिए काल बनकर जरूर आए, लेकिन 11 ओवर तक भारत के स्कोर को 90 रन मिल चुके थे। हालांकि अफगानिस्तान का पलड़ा भारी जरूर था, लेकिन सूर्य कुमार यादव 2 चौके और 1 छक्का लगाकर 11 गेंदों में 190 के स्ट्राइक रेट से 21 रन बना चुके थे, यानी कि प्रेशर थोड़ा बहुत सूर्य भाव ने रिलीज किया और उनका साथ देने के लिए पांड्या मैदान में उतर चुके थे। लेकिन दोस्तों सूर्य कुमार यादव यूं ही T20 के नंबर 1 बैट्समैन नहीं है। आज सूर्य कुमार यादव ने हर किसी के हिस्से के शॉट भी लगाए और वैसी बल्लेबाजी भी करी। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने सबसे पहला बदला लिया नवीन उलहक से, बैक टू बैक उन्हें चौके लगाए ही, साथ ही अजमतुल्ला को भी चौके जड़ दिए। पारी के 13वें ओवर में अजमतुल्ला को 2 बैक टू बैक चौके लगाकर सूर्या ने सबको ऐलान कर दिया था वो क्या करने आए हैं। दोस्तों फिर राशिद खान की बारी आई तो हार्दिक पांड्या ने पारी के 15वें ओवर में इनको एक चौका लगाया। 16वें ओवर में दोस्तों अजमतुल्ला को फिर से सूर्य कुमार यादव छक्का जड़ते हैं, पांड्या नूर अहमद को चौका लगाते हैं और एक छक्का इसी ओवर में लगाते हैं, और 17वें ओवर में भी ये तूफान जारी रहता है जब फजल फारूकी की गेंद पर सूर्य एक छक्का जड़ते हैं और फिर एक चौका लगाकर अगली गेंद पर अपना 50 पूरा करते हैं। दोस्तों ये वो 50 था जिसने भारत के भार को उठाया, मुश्किल से हमें निकाला। 28 गेंदों में सूर्य ने 5 चौके 3 छक्के लगाकर 53 रन की पारी खेली, लेकिन फिर फजल फारूकी ही गेंद पर वो कैच आउट हो गए। 53 रन पर तो वो आउट हो गए, लेकिन दोस्तों भारत को कोई खिलाड़ी अगर 150 के पार ले गया तो वो सूर्य ही थे। इनफैक्ट दोस्तों 24 गेंदों में 32 रन हार्दिक पांड्या भी लगाते हैं, 3 चौके और 2 छक्के जड़कर, और जाते जाते अक्षर भी 6 गेंद में 12 रन लगा जाते हैं 2 चौकों के साथ, यानी कि दोस्तों टोटल 181 का बनता है। ये एक डिसेंट टोटल है इस मैदान पर देखा जाए तो, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पर तो प्रेडिक्शन फेल होती हैं, लेकिन बुमराह ऐसे गेंदबाज नहीं जो फेल हो जाए, वो दूसरी टीमों को फेल करना जानते हैं। और आज बुमराह के आंकड़े कुछ ऐसे थे जो दोस्तों वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नई गेंद से रोहित शर्मा
सबसे ज्यादा वैसे बुमराह पर भरोसा करते हैं, लेकिन आज उन्होंने हरदीप सिंह को बुला लिया। नतीजन ये रहा कि पहली गेंद पर चौका लगा और इस ओवर के अंतिम गेंद पर छक्का, यानी कि दोस्तों पहले ओवर के अंदर गुरबाज ने दो गेंदों में 10 रन ठोककर प्रेशर भारत पर बनाना चाहा, लेकिन बुमराह तो बुमराह हैं। और दोस्तों बुमराह ओरिजिनल गेंदबाजी के बाद चाहे डुप्लीकेट नहीं जो पाकिस्तानी कराते हैं। बुमराह ने दोस्तों कुछ इस कदर गुरबाज को ट्रैप किया कि देखकर हर कोई भचक्का रह गया। दोस्तों कोई सोच भी नहीं सकता था कि बुमराह वाइड की तरफ गेंद डालेंगे, वो भी ज्यादा स्लो करके डालेंगे, और इस बात से पूरी तरीके से अपरिचित गुरबाज भी थे। जिसके बाद वो शॉट तो मारने गए लेकिन शॉट लेट था, जिसके बाद गेंद उनके बल्ले का एज लेकर सीधा पंत के हाथ में चली गई और वो कैच आउट हो गए 11 रन पर। इसके बाद दोस्तों बुमराह फिर आते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि बुमराह ने 1.1 ओवर में मात्र 1 रन देकर ये विकेट अपने नाम कर लिया था। लेकिन अब बारी दूसरे आंकड़े को जोड़ने की थी अपनी इस गेंदबाजी इनिंग में। दोस्तों बुमराह ने जजई को अपना शिकार बनाया, जो भी अभी आकर मैदान में खड़े ही हुए थे। लेग स्टंप को टारगेट करते हुए बुमराह ने एक और यॉर्कर गेंद फेंकी, जो दोस्तों उनके बल्ले का एज लेकर पॉइंट पर खड़े जड्डू के हाथ में चली गई। सिंपल कैच था और बुमराह का सेकंड विकेट बना। इसके बाद दोस्तों बुमराह ने और भी विकेट लिए, कुछ मैच को पलटने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन बुमराह की गेंदबाजी में इतना लोहा भरा हुआ था कि दोस्तों अफगानिस्तान ने घुटने टेक डाले। दोस्तों बुमराह ने मात्र 7 रन देकर 3 बड़े विकेट निकाले। जसप्रीत बुमराह ने 28 गेंदों में 7 रन देकर दोस्तों 1.8 का इकोनॉमी मेंटेन करके रखा, जो उनका क्लास डिफाइन करता है। बुमराह ने दोस्तों जजई का विकेट लिया, इससे पहले ओपनर गुरबाज को 11 पर उन्होंने आउट किया। इनफैक्ट दोस्तों जादरन को भी 19 पर आउट करने वाले वही थे। बाकी सब खिलाड़ियों के नाम भी विकेट रहे, हर्षदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, जड्डू, सबके एकजुट प्रदर्शन के चलते भारत ने इस मैच को जीता। दोस्तों मैच तो जीते, लेकिन जीत के बाद मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सूर्य कुमार यादव को मिला, जिनकी एक और हीरोइक पारी ने भारतीय क्रिकेट टीम की लाज को बचा लिया है। और दोस्तों जीत के बाद मैन ऑफ द मैच अवार्ड पाते ही सूर्य कुमार यादव ने अपना अवार्ड जानते हैं किसे दिया, रोहित और बुमराह को, और अपने बयान में भावुक होकर कहा, इस मैच को ही नहीं हर मैच को जीतने के लिए हमने जी जान एक करी है, वो चाहे यूएसए हो, पाकिस्तान हो या आयरलैंड ही क्यों ना हो। हमने इस बार के विश्व कप में एक भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ी, क्योंकि हम किसी भी टीम को हल्के में नहीं लेना चाहते थे। ये वर्ल्ड कप हमारे देश में नहीं हो रहा, इसलिए तैयारी इस बार दोगुना है, और इसका सारा क्रेडिट रोहित भाई को जाता है, क्योंकि वो एक ऐसे कप्तान है जो कि जीत के लिए नहीं खेलते, हार के लिए नहीं खेलते, वो मैदान में ट्रॉफी के लिए खेलते हैं, और ट्रॉफी जीत कर ही तो मिलेगी ना आपको। हर एक मैच हमारे लिए हर एक पड़ाव था, हमने मेहनत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसीलिए अफगानी टीम ने जब हमें शुरुआती दौर में कुछ झटके भी दिए, तब हमारा माइंडसेट क्लियर था, रन बनाने हैं, रन बनाए भी, और शुक्रगुजार हूं कि आज हमने इसे खूबसूरती के साथ डिफेंड भी किया, और डिफेंड किया है जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी ने, जिन्होंने शुरुआती दौर में 2 विकेट्स भी दिलाए और प्रेशर सारा का सारा अफगानिस्तान की टीम पर ट्रांसफर कर दिया था। मेरे नजरिए में ना इस मैन ऑफ द मैच के अवार्ड मुझसे कई गुना ज्यादा जसप्रीत बुमराह है, रोहित भाई हैं, क्योंकि ऐसे खिलाड़ियों के बल पर हम मैच जीत रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन दोनों के कंधों पर ही हम इस बार विश्व कप की ट्रॉफी को जीतेंगे। हम मुझे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड नहीं, बस अपने देश के लिए T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चाहिए, उसे ही लिफ्ट करूंगा। ये अवार्ड तो बुमराह रोहित भाई का है। दोस्तों सूर्य का ये बयान दिल जीतने वाला है वैसे, लेकिन आप सभी उनकी पारी उनके बयान को 10 में से कितने नंबर देंगे आज नीचे कमेंट कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।